अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान। आज का दिन है ट्यूसडे और मैंने ये सोचा है कि हर ट्यूसडे को एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, तेज़ तरीन ट्यूसडे में बहुत छोटी सी, शायद एक या दो मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें आपको एक बहुत फास्ट सी टिप दी जाएगी। तो आज की जो टिप है वो है ऑडियो को किस तरह से प्रीमियर में सिंक्रोनाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back। So, first of all, ये देख लेंगे, यहाँ पर मैंने अपने पास दो वीडियोस रखी हुई हैं और ये यूजली मैं हमेशा ही कर रहा हूँ। ये मेरी फेस वीडियो है एंड ये मेरी वो वीडियो है जो मेरा स्क्रीन कैप्चर है। सो ये दोनों के दोनों एक ही वक्त में रिकॉर्ड हुई है। जाहिर है जब स्क्रीन कैप्चर चल रहा था और मेरा फेस कैम चल रहा था, मैंने इन दोनों वीडियोस को साथ रखा। सो अगर आप सिंपली यूं देख लें कि मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं और लेट सपोज मैंने यहां से अपनी वीडियो प्रोजेक्ट विंडो में से उठा ली, ये लाके यहां रख दी और ये मेरा फेस कैम है, ये मेरी वो वाली है जो कि स्क्रीन कैप्चर है। अब अगर इन दोनों को मैं प्ले करूंगा तो ये थोड़ा सा आउट चल रहा होगा, गौर से सुनिएगा। सो यस, ऑब्वियसली ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। दोनों ट्रैक्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड यहां से आपको दिया हुआ सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज पे क्लिक किया। यहां से मेक श्योर कि आप ऑडियो पे सेलेक्टेड रखिएगा एंड ट्रैक चैनल वन, मैंने ये जो वन वाला है ट्रैक, इस पर इसको सिंक्रोनाइज करना है। ऑल दो दोनों का ऑडियो सेम है लेकिन चूंकि टाइम ज़रा से डिफरेंट होता है, आपने एक को पहले रिकॉर्ड शुरू किया, दूसरे को बाद में रिकॉर्ड शुरू किया, बट प्रीमियर इतना स्मार्ट है कि वो खुद आपको एडजस्ट करके दे देगा। जैसे ही आपने ओके किया, ये एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा एंड डन। सी, अब प्ले करके सुने। जैसे आप आएंगे तो आपके पास ये कुछ, अब ये दोनों ट्रैक्स चल रहे हैं। इसका फायदा सिर्फ ये होता है, देखिए मैं यूज फिर भी एक ही करूंगा, मैं एक को म्यूट कर देता हूँ, या इवन ये भी कर सकते हैं कि हम राइट क्लिक करें, अनलिंक करें और इसका ऑडियो ट्रैक सिंपली मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक ही ऑडियो ट्रैक है, दो वीडियो क्लिप्स हैं, आप जब चाहें आप अपना फेस कैम दिखा सकते हैं या स्क्रीन कैप्चर दिखा सकते हैं। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं थोड़ा सा आपको ये छोटा करके दिखा रहा हूँ कि जी लेट सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ और अब चलाऊँ यहाँ पर, तो अब देखें आपकी दोनों चीज़ें यानी कि दोनों वीडियोज़, या मेरा फेस कैम और मेरा डेस्कटॉप कैप्चर, दोनों बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। अब इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, मैं जाहिर है एक एक करके सारे तो नहीं बता। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी टेक्निक समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी और ये तेज़ तरीन ट्यूसडे भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।